जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान, मंजिल मिल जाएगी जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान, ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान, राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी पूरी सीरीज चलती आ रही है इमोशंस के ऊपर। हम हर दिन आपके छोटे या बड़े इमोशंस के सॉल्यूशंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पहले इमोशन जिसके साथ डील किया, जो नेगेटिव इमोशन जिसके साथ हमने डील किया, वो था फियर। अब सेकेंड इमोशन है एंजाइटी। आज हम जानेंगे कि किस तरह से एंजाइटी को हमारे ज़िंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकाला जाए। इसके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अवधीश शर्मा जी, आइए उनसे बात करते हैं। ओम शांति ब्रदर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति ब्रदर, आपकी ज़िंदगी में आपने इतना कुछ एक्सपीरियंस किया है, आप एक साइकेट्रिस्ट हैं, साथ ही साथ आपने इमोशंस को काफ़ी करीब से देखा है। पहले बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी पूरी एपिसोड्स चले फियर के ऊपर, अब मैं जानना चाहती हूँ एंजाइटी ये जो इमोशन है, सबसे पहले तो ये है क्या, अगर मैं जान सकूँ तो मेरी ऑडियंस को भी पता चले कि एंजाइटी है क्या। फियर आमतौर पे, चाहे रियल हो या इमेजिनरी हो, उसकी शुरुआत होती है एक स्पेसिफिक चीज़ से। हमें किसी स्पेसिफिक चीज़ का, सिचुएशन का फियर होता है। और उस सिचुएशन को सोच के या उस सिचुएशन में जाके हमें डर महसूस होता है। हम जब वहाँ से हट जाते हैं तो वो डर कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन मान लीजिए कुछ समय बाद हमें ये पता ही ना लगे कि हमें किस सिचुएशन की वजह से फियर हो रहा, और हमेशा मन में कुछ गलत होने वाला है इसका बोध रहे, और कुछ देर के बाद आप आसपास चेक भी करते हैं, कोई खास चीज़ मिलती नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर से एक घबराहट उस हद तक जिसकी वजह से आप नॉर्मल जिंदगी को जीने का मज़ा नहीं ले पाते, करेक्ट, वो एंजाइटी है। कई बार हम स्ट्रेस और एंजाइटी के बीच में जो एक थिन लाइन है उसके बारे में नहीं समझ पाते। स्ट्रेस जो है किसी एक्सटर्नल एक्चुअल सिचुएशन में व्यक्ति महसूस करता है, क्योंकि किसी ना किसी रूप में अपने आप को वो असमर्थ पाता है उस सिचुएशन से डील करने में। चाहे वो एक व्यक्ति के साथ बात करने की हो, या बहुत ज़्यादा काम है, या कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं उसकी ज़िंदगी में जिनको वो इकट्ठा डील नहीं कर पा रहा है, लेकिन वहाँ पे एक एक्सटर्नल फैक्टर होता। एंग्जाइटी, जिसे कि आम भाषा में तो चिंता कहा जाता है, लेकिन जब एक बीमारी का रूप धारण कर लेती है तो उसको दुश्चिंता कहा जाता है। दुश्चिंता का मतलब है कि वो चिंता जिसका आपके ऊपर दुष्प्रभाव हो। दुष मतलब बुरा। बुरा। राइट। जिसका बुरा असर मेरे ऊपर हो रहा है। क्योंकि अगर हम जैसे जाके अभी देखेंगे कि एंजाइटी सिर्फ एक इमोशन नहीं है, इसके साथ कुछ विचार, इसके साथ कुछ एक्शन एंड बिहेवियर्स भी जुड़े हुए हैं। तो अगर किसी भी कारण के हुए बिना हर समय, जैसे गाड़ी है, गाड़ी में हमने जाना कहीं नहीं है, जाके हमने उसको स्टार्ट किया और भूल गए, तो वो तो हो गई चिंता। लेकिन वहाँ पे हम अगर उसके एक्सेलरेटर के ऊपर कुछ पत्थर रख देते हैं और वो हाई स्पीड पे इंजन तो चल रहा है लेकिन जा कहीं नहीं रहा है, तो वो हो गई दुश्चिंता। तो यानी हमारी जो सारी की सारी शरीर की प्रक्रियाएं हैं जी, जो कि जब हम रिलैक्स्ड होते हैं उससे बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो एंजाइटी या दुश्चिंता में होता। जब हम रिलैक्स्ड हैं तो हमें नींद अच्छी आती है। हम जो खाते हैं, एक्चुअली पहले तो भूख लगती है, हाँ जी, टाइम पे, और जब हम खाते हैं तो अच्छी तरह से पच पाता है,
और हमें अपने कुछ जो ऑटोमेटिक प्रोसेसेस हैं जैसे हार्ट की बीटिंग है या ब्रीदिंग है उसका पता नहीं लगता। हम चीज़ों के ऊपर फोकस कर पाते हैं, कंसंट्रेट कर पाते हैं, एक जगह पे बैठ पाते हैं। जब हमें एंजाइटी होती है तो उसकी वजह से हम रात को सो नहीं पाते, कहीं 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 के विचार चलते रहते हैं। एक फीलिंग कि कुछ गलत हो जाएगा, कुछ गलत होने वाला है, ये हमेशा मन में चलती रहती है। भूख कम होनी शुरू हो जाती है। अगर एंजाइटी बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से आपका वेट लॉस भी हो सकता है। और साथ ही साथ हमेशा ऐसे फीलिंग कि जैसे दिल की धड़कन बहुत बड़ी हुई है, जैसे सांस बहुत तेज चल रही है, जैसे चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्माहट है, मुंह बहुत सूखा हुआ है, हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, पसीना आ रहा है, या हाथों में कंपन हो रही है और मसल्स जो है वो रिलैक्स नहीं है। जो एंग्जाइटी वाला व्यक्ति है वो ऐसे करके सोचो और वो या तो पैर चलाता रहता है या हाथ चलाता रहता है या उठ के चलता रहता है जी। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो एक शारीरिक रिस्पॉन्स है माइंड के बहुत फास्ट चलने का, जिसको कि कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है। तो वो जब लगातार चल रहा है तो फिर धीरे 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 शरीर के ऊपर भी असर आना शुरू होता है। और ऐसा पाया गया है कि अगर कॉन्स्टेंटली ये चलता रहता है तो कुछ तरह की शारीरिक बीमारियाँ, खासतौर पे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर का हाई होना, या हार्ट डिजीज़ को प्रोन होना, या जो कॉमन इन्फेक्शंस हैं उनका भी ठीक तरह से इलाज ना हो पाना क्योंकि हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। करेक्ट। या क्योंकि हमें भूख नहीं लग रही है तो इसलिए हमारी अगेन इम्यूनिटी कम हो जाती है, या एनर्जी महसूस नहीं होती है क्योंकि आपकी सारी एनर्जी जो है उसी में जा रही है। करेक्ट। तो हमेशा एक थकान सी महसूस करना, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाना क्योंकि मन के अंदर कुछ ना कुछ विचार चल रहे हैं। तो कोई छोटी सी भी बात हो जाती है तो हमें बुरी लगती है, आवाज़ें जो हैं वो बुरी लगती हैं, कोई हमें कुछ कहता है या सलाह भी देता है तो उस समय में वो बुरी लगती है। करेक्ट। तो ये सारे वैसे लक्षण हैं जो समय के साथ साथ चलते रहते हैं और फिर वो धीरे धीरे आपकी पर्सनल लाइफ पर भी, संबंधों पर भी, काम पर भी असर डालना शुरू करते हैं। और कई बार एक बहुत ही इंटेंस रूप में ये आती है जिसको कि हम पैनिक अटैक्स बोलते हैं। पैनिक अटैक्स मोर और लेस जैसे कि एक हार्ट की आपको अटैक हुआ वैसा महसूस होता। क्योंकि दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, सांस बहुत फूलने लग जाती है और कई बार उस समय में आपको लगता है कि यहाँ पे इतनी तेज़ छाती में कंस्ट्रिक्शन है या दर्द की फीलिंग है और लोग उस समय इमरजेंसी में जाते हैं, ECG होती है, नॉर्मल आती है, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हो सकता है बड़ा हो, और जब वहाँ पे जाके आप डॉक्टर को मिलते हैं वो कहता है सब कुछ ठीक है या आपको कोई ऐसी मेडिसिन दी जाती है जिससे आप थोड़ा सा काम डाउन हो जाते हैं, उसके बाद वो एपिसोड ख़त्म हो जाता है। लेकिन अब वो कब आएगा नेक्स्ट टाइम, यू डोंट नो और उसकी चिंता शुरू हो जाती है। हाँ। और वो अगर आएगा तो भीड़ में आएगा, अकेले होंगे आएगा, अगर काम पे है वहाँ पे आएगा, दूसरे लोग अगर उस रूप में मुझको देख लेंगे तो क्या होगा। हाँ। इसकी चिंता शुरू हो जाती है। सोचो। और जब वो चलती रहती है तो समय के साथ साथ व्यक्ति सिर्फ अपने में ही सिमट के रह जाता। सोचो डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं इसको और थोड़ा सा समझने की कोशिश करना चाहती हूँ। जैसे आपने कहा सिम्टम्स में हार्ट रेट हाई होता है, दूसरा सांस बहुत आप ज़ोर से लेने लगते हैं, काफ़ी आपको मेहनत लगती है, साथ ही साथ आपने कहा कि बेचैनी होती है। क्या आप, जैसे आपने कहा कि आपको लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है उसके विजुअल्स भी हमें दिखने लगते हैं, दिमाग में हम क्रिएट करने लगते हैं? बिकॉज एग्जैक्टली अगर, क्योंकि ये नई बीमारी है जो हम जानने की आज कोशिश कर रहे हैं, जिसको आज तक बहुत माइल्ड हमने माना कि ठीक है टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, मगर अगर ये थोड़ा क्रॉनिक है तो उस चीज़ को लोगों तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या विजुअल्स भी दिखते हैं एक फ्लैशेस में आपको, या इट्स जस्ट कि आप बेचैन हैं, व्हाट इज़ इट? जो बेचैनी की बात आपने की और जो मैंने बताया सिम्टम्स, वो आमतौर पे फिजिकल सिम्टम्स हैं। ओके।
लेकिन साइकोलॉजिकली आपको ये लगता है कि कोई भी चीज़ ठीक नहीं होगी। तो आप अगर काम को विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं तो आपको ये लगेगा कि उसमें कोई गलती हो जाएगी। वो एक फियर है जिसका सच्चाई से कुछ लेना देना नहीं है। राइट। या आपको ये लगेगा कि मेरा बॉस जो है वो मुझे कुछ कहेगा, हुआ नहीं है। या ये फियर आ जाएगा कि शायद इसकी वजह से मेरी जॉब लूज हो जाए क्योंकि मैं ठीक काम नहीं कर पा रहा हूँ। राइट। इसमें सच्चाई ऑलमोस्ट नहीं होती, एटलीस्ट शुरू के समय इमेजिनरी है। उस समय में ये इमेजिनरी है, और उस समय में सिर्फ एक चीज पे नहीं, हर जन जिसको जनरलाइज्ड एंजाइटी बोलते हैं, हर चीज के ऊपर जुड़ी हुई है। और सिर्फ कई बार अपने से नहीं जुड़ी होती है, दूसरों के साथ भी जुड़ी होती है। अगर कोई बच्चा घर से बाहर गया है, या पति या पत्नी घर से बाहर गए हैं, आमतौर पर विमेन में थोड़ी सी ज़्यादा होती है कंपेयर टू मैन, तो उसमें ये फियर कि उनको कुछ ना हो जाए। अगर किसी ने फ़ोन करना था और फ़ोन नहीं आया तो मन में यही विचार चलता रहता है कि कुछ गलत हो गया होगा। करेक्ट। या कोई इवेंट अगर फ्यूचर में होना है तो उसके ठीक होने के चांसेस नहीं है, ये मन में आना शुरू हो जाता है। या दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये मन में आना शुरू हो जाता है। और ये एक एरिया में नहीं, कई एरिया में, मतलब एक एंग्जाइटी जो है वो आपके सब एरियाज के अंदर, पर्सनल भी, प्रोफेशनल भी, रिलेशनशिप भी, उन सब में चलती है। और जहाँ तक विजुअल्स की बात है, विजुअल्स जो हैं वो नेगेटिव ही आते हैं। करेक्ट। आपकी इमेजिनेशन भी उस समय में नेगेटिव होती है कि ये काम ठीक हो ही नहीं सकता, कोई भी कारण नहीं है ये सोचने का कि ठीक नहीं होगा, बट यू स्टार्ट इमेजिनिंग कि ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। करेक्ट। बट विजुअल्स भी दिखते हैं। विजुअल्स भी दिखते हैं, पर वो मन के अंदर। करेक्ट। और वो जो, क्योंकि देखिए हम कोई भी जब काम करते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा हम विजुलाइज करते हैं। Yeah, we do. और वो विजुलाइजेशन जो है वो आमतौर पे एक स्टेबल रूप में देखते हैं। राइट। अगर कोई मुश्किल आ सकती है तो उसको ये देख के कि क्या मुश्किल आएगी, उसको किस तरह से सॉल्व करना है, उसके बारे में हम सोचते हैं। और अगर ठीक हो रहा है तो हम उसके बारे में एंटिसिपेट करते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे जो हो भी रहा है वो भी लगता है कि ठीक नहीं होगा, और ठीक नहीं होगा तो उससे क्या क्या गलत हो जाएगा ज़िंदगी में, ये भी आना शुरू हो जाता है। तो हुआ कुछ नहीं है, लेकिन माइंड ने इमेजिन कर लिया कि सब कुछ ख़राब होना शुरू हो गया। और उस वजह से कई बार ये भी होता है कि क्योंकि आप उस रूप में सोच रहे हैं तो आप जो आपके आसपास वाले हैं उनसे बार बार चेक करते रहते हैं, जिससे कि उनको इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है। राइट। अगर आप को डर है कि किसी को कुछ हो गया जो घर से बाहर गया, और आप उसे बार बार फ़ोन कर रहे हैं, ठीक हो, कहाँ हो, कब वापस आओगे, तो दिन में अगर 10 बार फ़ोन हुए तो दूसरे व्यक्ति को लगता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि उसकी वजह से जो आपकी ज़िंदगी की और चीज़ें हैं जिसे आप इन्जॉय करते हैं वो भी उन्हीं ख़त्म हो जाती हैं। करेक्ट। आपकी जो हॉबीज़ हैं या आपकी जो इंटरेस्ट हैं वो भी कम होने शुरू हो जाते हैं, और एनर्जी इतनी कम हो जाती है क्योंकि हर समय वो सारी एनर्जी जो है, मन की एनर्जी जो है बड़ी पावरफुल होती है। एब्सोल्युटली। तो अगर मन और शरीर दोनों की एनर्जी वेस्ट जा रही है तो वो जो सकारात्मक कार्यों के लिए उसकी ज़रूरत है वो नहीं होती है। ब्रदर, जैसे आपने कहा कि काफ़ी चीज़ें अनस्टेबल हो जाती हैं जब आपको एंजाइटी एक रूप में आपकी ज़िंदगी में आता है, क्या नींद पर भी उसका असर पड़ता है, या स्लीपलेसनेस की वजह से एंजाइटी होता है, ये भी एक कारण है? नींद पे डायरेक्ट असर होता है। अच्छा। और कई बार नींद के समय में आपकी एंजाइटी और बढ़ जाती है। ओ। क्योंकि बाकी समय में तो आपका फोकस किसी और चीज पे है। करेक्ट। कुछ देर के लिए तो आपके थॉट्स एटलीस्ट किसी चीज में गए। yeah. अगर आप खाना बना रहे हैं चाहे उसमें आपको तो डाइवर्टेड है। लेकिन रात को तो आप आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। और कई बार मैंने बैठे शब्द इसलिए यूज किया क्योंकि लेटने पे बेचैनी कई बार बढ़ जाती है। oh, yeah. क्योंकि नींद नहीं आ रही है तो लेट के आप इधर उधर करवटें बदलते रहते हैं, तो लोग बैठते हैं कई बार, फिर वो उठ के टेलीविजन देखना शुरू कर देते हैं कि अपने माइंड को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर लें, लेकिन उससे नींद और भाग जाती है। नींद ना आना और सुबह फ्रेश ना उठना एंजाइटी का ही एक सिम्टम है। लेकिन अगर आप काफ़ी समय से अपनी नींद से भाग रहे हैं,
और मैंने वर्ड यूज़ किया नींद से भाग रहे हैं क्योंकि अगर हम अच्छे प्रकार से सारा दिन में काम कर रहे हैं, थके हुए हैं, तो नींद आएगी ही. लेकिन अगर हम धक्का मुक्की उसको दूर करते हैं कि चलो आज थोड़ा सा टेलीविजन पे कोई प्रोग्राम आ रहा है तो 1 बजे तक देख लेते हैं, मूवी देख लेते हैं रात को या पार्टी कर लेते हैं. एक्चुअली पार्टीज से ज्यादा इस समय जो ये फ्री इंटरनेट्स हैं, और उसमें सोशल मीडिया एक्टिव हैं, तो कहीं से कोई भी मैसेज आया, हर किसी के फ्रेंड जो हैं वो भारत के बाहर भी हैं, तो उनके लिए तो दिन है, हमारे लिए चाहे रात है, तो वो मैसेज भेज रहे हैं, हम उनको वापस मैसेज भेज रहे हैं, उन्होंने लाइक किया या नहीं लाइक किया मेरे फेसबुक पेज को वो देख रहे हैं, तो वो जो नींद को हम भगाते हैं, तो नेक्स्ट डे हम चार्ज महसूस नहीं करते. और अगर आप ऑलरेडी एंग्जाइटी से जूझ रहे हैं तो फिर और ज्यादा, तो नेक्स्ट डे आप ऑलरेडी शुरुआत जो है वो कम चार्जिंग से करते हैं, तो वो धीरे 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 बढ़ती जाती है. एक स्टेज आती है जो वो इकट्ठी होके, जैसे पानी डालते रहें गिलास में तो एक स्टेज से बाहर निकलता है, तो उसी प्रकार से वो फिर पैनिक अटैक्स में बदल जाती है. एंड अनफॉर्चुनेटली व्हाट वी आर सीइंग नाउ, इसकी ये सिर्फ बड़ों तक सीमित नहीं है. किड्स, वी हैव स्टार्टेड सीइंग इट हैपन इन किड्स आल्सो. आई थिंक यहाँ पर मैं थोड़ी स्पीचलेस हूँ, क्योंकि बच्चों को, जिनको हम भगवान का रूप मानते आए, हम मानते आए कि वो तो पाक है और वो सब बहुत भगवान के एक अवतार हैं, कि जब यंग एज जो होती है बहुत ही इनोसेंट होती है, ऐसे समय पर अगर एंजाइटी जैसी बीमारी आपको आ जाए, तो एज अ एडल्ट अगर डील कर रही होती हूँ ऐसी किसी चीज़ से, तो मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ कि मम्मी, सपोज मैं मम्मी के साथ ये शेयर करती हूँ कि मम्मी मुझे बेचैनी हो रही है, या मुझे ऐसा फील हो रहा है, या मेरी हार्ट बीट रेज है, या मैं डरी हुई हूँ. लेकिन बच्चों के मन में तो उनको पता ही नहीं होता कि उनके साथ हो क्या रहा है. तो वहाँ पर उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए, मतलब एज अ पेरेंट आई थिंक हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चा ऐसे कुछ चीज़ से जूझ रहा है या नहीं जूझ रहा है, क्योंकि बच्चा तो सामने से होकर के नहीं बोलेगा पेरेंट्स को कि मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही है, यू नो. तो एज अ पेरेंट आप उन्हें कुछ गाइड करना चाहेंगे? एक्चुअली बच्चों में जिस प्रकार से सिम्टम्स आते हैं वो बड़ों से थोड़े से अलग होते हैं. अच्छा. जैसा आपने कहा कि बच्चे उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उन्हें इस इमोशन के बारे में ज़्यादा मालूम ही नहीं है. बच्चों में इमोशंस को व्यक्त करने का तरीका या तो प्यार करने का होता है या कुछ कहने का होता है, पर वो उनकी भाषा जो है, जब तक उन्होंने उस चीज़ को बार बार एक्सपीरियंस नहीं किया या दूसरे में नहीं देखा, वो कह नहीं पाते. राइट. लेकिन अगर बच्चे की जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं वो कम होनी शुरू हो जाए, या बच्चा जितना पहले खुश रहता था वो कम होना शुरू हो जाए, या बच्चा बहुत बेचैन हो रहा है या बहुत ज़्यादा रो रहा है, और आमतौर पर कई बार हम इसको 4-5 की उम्र में भी देखते हैं कुछ. अच्छा. बच्चों को, बट स्लाइटली ओल्डर बच्चे जो हैं 10 साल की उम्र तक के, उनमें देखा गया है जी. और वो खा नहीं रहे हैं ज़्यादा, या लिस्टलेस हैं, एनर्जी नहीं है जैसे, या पढ़ाई में उनका मन नहीं लग रहा, या खेल में उनका मन नहीं लग रहा, या जो उनके पहले इंटरेस्ट थे वो उतने अच्छे नहीं हैं. कई बार कुछ हादसे अगर हुए बच्चों के साथ किसी भी प्रकार के, चाहे फिजिकली उनको वायलेंस हुई है या सेक्सुअली वायलेंस हुई है, तो उसकी वजह से भी, उसके बारे में सोच के भी, क्योंकि उनके लिए ट्रॉमेटिक है और उस एक्सपीरियंस को पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं, कह भी नहीं पाते, तो वहाँ पे उनके मन में वो चीज़ सोच के एंग्जाइटी बढ़ती रहती है, क्योंकि उनको ये भी नहीं पता कि उनकी गलती थी या नहीं थी. True. और वो कहेंगे तो किसको कहेंगे, और वो कैसे इस रूप को लेंगे, वगैरह वगैरह. Right. तो उस वजह से भी थोड़ी सी मुश्किल आती है. लेकिन अगर बच्चे में ये बदलाव आ रहे हैं, तो उन बदलावों को पेरेंट्स का रोल बन जाता है उनके साथ बैठ के, क्या उन्हें अंदर से कुछ मुश्किल महसूस हो रही है. राइट. ये देखने का.
लेकिन इसी के साथ साथ पेरेंट्स में एक और चीज़ को जानने की ज़रूरत है जी, कि अगर वो एंग्शियस हैं, बच्चे अपने बड़ों को देखकर अपने इमोशंस को बनाते हैं। ओके। तो उसको रोल मॉडलिंग कहते हैं जी, कि एक स्थिति में हमें किस प्रकार से बिहेव करना है वो हम दूसरों को देख के सीखते हैं। तो अगर वो अपने पेरेंट्स को एंग्शियस देखते हैं और वो अपने पेरेंट्स को बातचीत करते देखते हैं या हर चीज़ में उनको इरिटेबल देखते हैं या हर चीज़ में उनको परेशान देखते हैं, तो वो चीज़ भी मन में उनके आनी शुरू हो जाती है कि ज़िंदगी जो है बहुत पहाड़ बड़ी जैसी चीज़ है और छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी हमको टेंशन आनी नॉर्मल है। और यही थॉट प्रोसेस जो होता है बच्चों के अंदर में कि बच्चे बहुत ही केयरफ्री ज़िंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन उन पर प्रेशर क्रिएट किया जाता है पेरेंट्स के थ्रू। देखिए, यहाँ पे मैं बस एक चीज़ थोड़ी सी ऐड करना चाहूँगा कि कई बार पेरेंट्स जानबूझ के भी बच्चों के ऊपर जी अपनी एंग्जाइटी को नहीं थोपते, वो खुद ही इतने एंग्शियस होते हैं अपने जीवन में, इतनी चीज़ों से जूझ रहे होते हैं और उनके मन में बच्चों को एंग्शियस बनाने का कोई कारण नहीं होता। Exactly. लेकिन वो ये सोच के कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, हो भी पाएगा कि नहीं, तो वो जो इस चीज़ की इनसिक्योरिटी में जीते हैं, वो इनसिक्योरिटी अगर बिना कारण के चलती रहती है तो वही एंग्जाइटी वो महसूस करते हैं। Right. और जो आप महसूस करते हैं वही दूसरे आपसे महसूस करते हैं। सो ट्रू। आई थिंक आज का जो हमारा पूरा जर्नी रहा है, एंजाइटी को हमने काफ़ी बारीकी से जानने की कोशिश की है, हमने जाना कि एंजाइटी है क्या, हमने ये भी जाना कि किस तरह से ये बच्चों के अंदर में भी आ गया है। अब हम अगले एपिसोड में जानेंगे कि किस तरह से एंजाइटी से हम बाहर निकले। थैंक यू सो मच प्रादा, थैंक यू फॉर अवेलेबल टाइम। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि एंजाइटी और कुछ नहीं है, फियर का एक प्रोलॉन्ग्ड रूप है। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हम क्यों परेशान हैं, क्यों हम इतने बेचैन हैं। अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो आपके क्वेश्चंस या आपके कोई कमेंट्स हम तक पहुंचा सकते हैं फेसबुक पेज ज़िंदगी बने आसान पर। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज, गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913487।